व्हाट्स up everyone? Welcome वेलकम बैक टू द चैनल तो गाइज मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था अकाउंटेंसी वाइवा के बारे में अब आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर बिजनेस स्टडीज का वाइवा कैसे देना है कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना है तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप बी एस टी के वाइवा में भी एक्सेल कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो चलिए लेट्स बे गाइज़ बिजनेस स्टडीज के वाइवा भी उसी तरीके से डेवलप्ड है मतलब इसमें दो चीजें होती हैं एक तो हो गया आपका फाइल ठीक है अरे फाइल और एक हो गया आपका ओरल एग्जामिनेशन सबसे पहले तो बेटा जी आपको अपनी बिजनेस स्टडीज की फाइल बहुत ही अच्छी बनानी है आपने जिस भी टॉपिक पे फाइल ली है मार्केटिंग पे ली है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे ली है डिमोनिटाइजेशन पे ली है किसी और चीज पे ली है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल एक तो कंप्लीट हो ठीक है कंप्लीट का मतलब उसके अंदर कुछ भी मिसिंग ना हो बेटा प्रॉपर एक्नोलेजमेंट इंडेक्स डिटेल्स अच्छे से होनी चाहिए वो लास्ट में बिब्लियोग्राफी और सारा का सारा एक थैंक यू नोट टू द टीचर वो सब कंप्लीट होना चाहिए आपकी फाइल अधूरी ना लगे ठीक है और जितने पेजेस पे आपके टीचर ने बोला था उतने पेजेस की होनी चाहिए लगना चाहिए कि हां बच्चे ने एफर्ट लगाया है फाइल में डेकोरेट अगर आप करके दोगे वेरी गुड अगर आपके टीचर ने मना करा डेकोरेट करने के लिए तो मत करो जैसे आपको ठीक लगे आपकी फाइल बहुत ही सुंदर होनी चाहिए राइट अगर आप लोगों ने अपनी फाइल बना ली है एंड आप लोग मुझे मेल कर सकते हो तो मुझे आप मेल भी कर देना मैं और बच्चों के लिए भी वो शेयर कर दूंगा कि देखो कितनी प्यारी प्यारी फाइल बच्चों ने बनाई है तो आप पी बना के मुझे मेल कर देना मैं उसका यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दूंगा ताकि और बच्चे भी देख पाए ओके okay, तो आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है दूसरा डेकोरेट अगर आप कर सकते हो तो कर देना डेकोरेटेड हो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बेटा देखो वही वाली बात है जैसे मैं अकाउंट्स में बता रहा था कि जो दिखता है वो बिकता है सुंदर दिखनी चाहिए समझ रहे हो तो डेकोरेटेड होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए फाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान कोई देने वाला है नहीं वहां है आपका ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपको जज किया जाएगा फाइल पे बहुत फोकस कोई नहीं करने वाला है राइट बट पूरी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है सही है जी अब आ जाते हैं ओरल एग्जामिनेशन पे ओरल एग्जामिनेशन की जब आपकी बात आएगी तो मैं फिर से दो पॉइंटर्स जो मैं अकाउंट में बता रहा था वही मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि आप सबसे पहले तैयारी आपकी घर से शुरू होती है बी वेरी वेल ड्रेस्ड आप प्रॉपर वेल ड्रेस्ड हो बी ग्रूम्ड आप ग्रूम्ड हो कोई बाल बाल सही से करके जाना भाई बी एड बहुत ज्यादा नहीं लगनी चाहिए एक प्रॉपर पढ़े लिखने बच्चे लगने चाहिए है ना तो बी वेल ड्रेस्ड बी ग्रूम्ड अच्छे तरीके से तैयार होके धो धोके अच्छे से जाना राइट उसके बाद यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स आप टीचर्स को बताओ कि भैया हम तैयारी करके आए हैं और ये चीजें बहुत अच्छे से हमें आती हैं उस तरीके से आप करके जाना राइट कॉन्फिडेंटली आंसर देना है आर्ग्यू नहीं करना है है ना? है ना वही वाली बात जस्ट डोंट आर्ग्यू अगर आपको लगता है कोई चीज आपको पता है आप बता दो अगर टीचर आपको बोल रहे हैं कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा आपको ठीक है जी बहुत अच्छा है हम आपसे एग्री करते हैं और हम आपसे सीखने के लिए आए हैं आप हमें सिखाओ कि क्या चीज़ है कैसे करना है हम वैसे करके आएंगे राइट right? तो इस तरीके से अच्छे से आपको वेल well ड्रेस दिखना है दिखना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है right? टीचर को कि हाँ भाई बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने वाला है उसके बाद बेटा जी आपका जो भी फाइल का टॉपिक है जो भी आपका फाइल का टॉपिक है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग जिस भी टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है वो पूरा चैप्टर

चार चैप्टर के नाम जो तुम्हारे सिलेबस में है लाइन वाइज नाम जरूर याद करके जाना ठीक है उसके बाद जो चैप्टर नंबर वन है मैनेजमेंट वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना स्पेसिफिकली इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में क्या फर्क है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है आर्ट है या प्रोफेशन है ये कॉमन क्वेश्चन है जो टीचर आपसे पूछ सकते हैं और फर्स्ट चैप्टर में है ये सवाल तो फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हमारे हेनरी फ्यल और साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर फ्रेडरिक विंसलो टेलर राइट तो एफ डब्ल्यू टेलर भी पता होना चाहिए वट इज हिज फुल नेम सही है ना तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हो गया और हेनरी हो गया इनका बैकग्राउंड जरूर देख के जाना कि ये क्या करते थे कौन इंजीनियर है कौन कौन से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए चैप्टर नंबर में से बहुत सवाल पूछे जाएंगे आपसे राइट तो बड़े ध्यान से मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर ये पूरा डिटेल में आपको पूरी की पूरी टेक्निक्स टेलर की टेलर के प्रिंसिपल्स फ्योल के प्रिंसिपल्स ये आपको पता होने चाहिए बेटा उसके बाद चैप्टर नंबर थ्री में आपको सिर्फ और सिर्फ यह पता होना चाहिए कौन सा पॉलिटिकल है कौन सा इकोनॉमिक है कौन सा सोशल है कौन सा टेक्नोलॉजिकल है कौन सा डायमेंशन है कोई पॉलिटिकल कोई इकोनॉमिक कोई सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल ये जरूर एक बार देख के जाना आपको पता होने चाहिए ठीक है इसके बाद बच्चे जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रोसेस जरूर याद कर लेना सर कौन से प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टाफिंग प्रोसेस उसके बाद आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस डायरेक्टिंग में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है तो आपसे प्रोसेस पूछ सकता है देन मैस्लो की थ्योरी आपसे पूछ सकता है मैस्लो की बच्चों मोटिवेशन की थ्योरी है

कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे बस हो जाएगा तुम्हारा काम मैस्लो की थ्योरी हो गई इसके बाद आपको लीडरशिप स्टाइल्स पता होने चाहिए लीडरशिप स्टाइल्स पे क्वेश्चन कई बार टीचर्स पूछ लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पार्ट ए में से है बच्चों है ना प्रोसेस हो गया मैस्लो का थ्योरी हो गया लीडरशिप स्टाइल्स हो गए ये हो गए प्रिंसिपल्स हो गए टाइप्स ऑफ प्लान एक बार देख लेना कितने तरीके के प्लान होते हैं तो तुम इतना भी बता दोगे ना टीचर को लगेगा हाँ बच्चा हार्ड वर्किंग है सही है इसके बाद अगर मैं पार्ट बी में चलूं बेटा तो मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि मार्केटिंग पे फाइल भी हो सकती है और मार्केटिंग के बारे में तुम्हें पता होना ही चाहिए मार्केटिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से कंज्यूमर की राइट्स मेन सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स ही होते हैं ज्यादातर टीचर राइट्स पूछ लेते हैं तो कंज्यूमर राइट्स आपको याद होनी चाहिए मार्केटिंग आपको पूरा करना है मार्केटिंग मत छोड़ना फिर बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर टू प्रिंसिपल्स चैप्टर नंबर वन मैनेजमेंट और मार्केटिंग ये तीन चैप्टर तो भैया आप बारह में से पूरे तैयार करने हैं तुम्हें अच्छे तरीके से ओके कंज्यूमर राइट्स हो गया मार्केटिंग हो गया उसके बाद फिनेंशियल मैनेजमेंट में से आप लोग बस कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली देख लेना कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं ये देख लेना और जो फिनेंशियल मार्केट्स है उसमें डिफरेंसेस देख लेना कि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है मेनली यही अब देखो इतने सारे सवाल तो, तो तुम्हारे से टीचर ने पूछने भी नहीं है तो ये मेन चीजें हैं कुछ टॉपिक्स हैं दस बारह मैंने आपको बताए इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लो तो आपके वाइवा में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा ठीक है अगर आपको कुछ और भी टीचर ने पूछा है ना तुम बोलो कि सर मैं तो ये प्रिपेयर करके आया हूँ या आई हूँ तो मेरे को प्लीज आप इसमें से पूछ लो एंड अपना बेस्ट दे के आओ कॉन्फिडेंट हो वाइवा दे के आओ स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है यह चीज तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इसके अंदर बड़ा इजी फील करोगे बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे और अगर तुम कुछ नहीं भी बता के आए ना सपोज तुम्हारे से दस क्वेश्चन पूछे तुम्हें दस के दस नहीं आते थे तब भी टेंशन मत लो बोल के आना टीचर को कि थैंक यू सो मच मुझे आपसे सीखने को काफी कुछ मिला एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ खूब मेहनत करूंगा या करूंगी और अपने बोर्ड्स में अच्छा करूंगी दिस इज माय प्रॉमिस टू यू बस दैट सेट और कुछ नहीं है यार एक छोटा सा ओरल एग्जामिनेशन है इस पे टेंशन लेनी नहीं है राइट right, चलो यार तो दिस वॉज ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में मैंने आपको चीजें बता दी अब अगली वीडियो आधे घंटे बाद में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूँ और फिर हम वाइवा वाली सीरीज को पैक करेंगे थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर बाय